नमस्ते, गार्डनिंग फ्लावर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डेलिया कटिंग ग्रो करके दिखाएंगे किस तरीके से हमें कटिंग तैयार करनी है। सबसे पहले हम ये कुछ मदर प्लांट से डेलिया कटिंग ले लेंगे। ये देखिए, हमने ये दो कटिंग ली हैं, एक ही इस कटिंग ले रहे हैं। ये भी हमने कुछ मदर प्लांट लगा रखे थे। हमें हर एक डेलिया कटिंग एक नोट से कटिंग करनी है ताकि ये हमारी कटिंग जल्दी ग्रो करे। ये हमने कुछ एलोवेरा और एक 4 इंची का पॉट ले रखा है, और ये हमने रेता ले रखा है जो हमारा नदी का रेता है। इसमें हम आपको डेलिया कटिंग ग्रो करके दिखाएंगे। सबसे पहले हमें इसमें रेते को 4 इंची पॉट में भर लेना है। भरने के बाद अच्छे तरीके से आपको दिखाएंगे किस तरीके से भरने के बाद इसमें हमें हल्का सा पानी डाल लेना है। कटिंग लगाने से पहले हम इसमें पानी ग्रो करेंगे ताकि रेता आराम से नीचे बैठ जाए। बैठने के बाद हमें एक किसी लकड़ी की सहायता से इसमें होल करेंगे ताकि हमारी कच्ची कटिंग डेलिया की नीचे टूटे ना। इस तरीके से कर लेने हैं, और ये डेलिया कटिंग के नीचे के हमें पत्ते साफ़ कर लेने हैं अच्छी तरीके से। और इसे हमें एक घर में हमारे एलोवेरा का प्लांट होता है उसमें से एलोवेरा की ये जेल से हम आपको ग्रो करके दिखाएंगे और कितना बढ़िया और कितनी जल्दी ही रूटो इसमें बनना शुरू हो जाती हैं। आप देख पा रहे हैं, इसको लगाने के लिए सबसे आसान तरीका ये। इस तरीके से हम एक कटिंग और लेंगे डेलिया की। ये भी सेम इसी तरीके से हमें एलोवेरा में डिप करने के बाद, जेल लगाने के बाद, इसी तरीके से हमें 4 इंची पॉट में लगा देने हैं। ये तीनों कटिंग हम डेलिया की लगा के दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए इसी तरीके से इसे लगाने के बाद इसको जहाँ पे हल्की सी सनलाइट आती हो उस जगह पर इस कटिंग को रख देना ताकि 2-4 घंटे की धूप से ये आराम से इसमें फूल, हर रोज़ इसमें पानी देना है हल्का हल्का। 2 हफ्ते बाद देखो पाओगे आप इसमें कितनी बढ़िया रूटिंग होना शुरू हो जाएगी। 2 हफ्ते बाद मिलते हैं। दो हफ्ते बाद आप देख पा रहे हो इसमें नमे पत्ते निकलना काफ़ी बढ़िया शुरू हो चुके हैं। ये हमने वही कटिंग है जो 2 हफ्ते पहले ग्रो की थी। आप देख पा रहे हैं इसमें कितनी बढ़िया रूट शुरू हो चुकी है, प्लांट रूट देना शुरू हो चुका है। ये और दिखाते हैं, इसमें देखिए कितनी बढ़िया रूट पड़ी है। ये देखिए, इसे हम अब इसी 4 इंची पॉट में आपको शिफ्ट करके भी दिखाएंगे। एक ये देखिए, ये देखिए कितनी शानदार रूटिंग इसमें ग्रो हुई है डेलिया की। इस तरीके से आप कोई भी डेलिया की कटिंग घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसको हमने 4 इंची पॉट लेंगे इस कटिंग को, 2 हफ्ते तक इसको इस 4 इंची पॉट में इसको ग्रो करेंगे। उसके बाद इसकी फुल अपडेट आपको देंगे, कौन कितना बड़ा इस पर फूल आता है ये भी आपको बताएंगे, और कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए। सबसे पहले हम नॉर्मल खाद मिट्टी में इसको लगा रहे हैं, नॉर्मल खाद मिट्टी में इसको लगाएंगे। ये देखिए, ये कटिंग लगाने जा रहे हैं। ये हमने नॉर्मल मिट्टी खाद बना रखी है जिसमें हमने खाद मिला रखी है, देसी गाय गोबर की खाद मिला रखी है। ये हमारा लग के एकदम तैयार है डेलिया का प्लांट। एक डब्बा और लेंगे 4 इंची का पॉट, उसी में भी सेम इसी तरीके से हमें डेलिया के कटिंग लगानी है। ये देखिए, इसकी भी रूट काफ़ी बढ़िया है, इसको भी हमें इसी तरीके से लगाएंगे डेलिया की। आप भी अपने घर पे किसी भी 4 इंची या फिर अपने गार्डन में कहीं भी डेलिया की कटिंग तैयार करके सीधे भी लगा सकते हो। हम इसको तैयार करके कहीं और भी किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, और या फिर किसी गमले में भी लगा सकते हैं प्लांट को। कोई भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। इसी तरीके से आपको प्लांट लगा लेना है। कुछ दिन बाद आप देखेंगे हमने ये डेलिया कटिंग काफ़ी बढ़िया तैयार कर रखी है। इन्हें पानी दे देंगे, थोड़े टाइम बाद इनमें पौधे में फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगी। आपको फुल अपडेट अगली वीडियो में देंगे। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद आप सब।